आप देख रहे हैं ई टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम रिजल्ट घोषित, आदित्य श्रीवास्तव बने टॉपर, दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान और तीसरे नंबर पर डोनरू अनन्या रेड्डी रही। पीएम मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और सूची की जारी, सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल, इसमें महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से एक एक, यूपी से 2 और पंजाब से 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, उन्होंने टीएमसी सरकार की आलोचना की। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर घुसपैठियों को सुरक्षा देने का आरोप लगाया। बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी वाले पीएम के बयान पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, कहा पीएम ने देश को केवल महंगाई, बेरोजगारी और जुमलेबाजी दी, न बिहार को विशेष पैकेज दिया न विशेष दर्जा। असम के जोरहाट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो, उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतता है तो श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी, यह कांग्रेस की गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इजराइल ईरान युद्ध की धमक से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 456 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,200 के नीचे हुआ बंद। ग्लेन मैक्सवेल ने बीच में ही छोड़ा आरसीबी का साथ, आईपीएल 2024 से लिया ब्रेक, वहीं मुस्तफिजुर 1 मई तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों ने घटना को अंजाम देने से पहले अभिनेता के घर के आसपास 3 बार रेकी की थी। चीन में रिलीज होगी फिल्म 12वीं फेल, 20,000 से ज्यादा स्क्रीन पर देखी जाएगी यह फिल्म। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।